कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ अ यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इन पिकोमीटर? 128, 157, 181, 108. कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस विथ अ यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इन पिकोमीटर? देखिए यहाँ पे जो कॉपर क्रिस्टलाइज कर रहा है इन फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस में, देखिए फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस बना रहा है, तो फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस में क्या होता है? फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस में क्या होता है बताए थे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है वो कॉर्नर पे तो रहता ही है, इसके अलावा हर एक फेस के सेंटर पे रहता है. देखिए छः फेस है तो छः वो फेस के सेंटर पे रहेगा, ठीक है. तो आपसे पूछ रहा है कि कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस विथ अ यूनिट सेल लेंथ ऑफ यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर. इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो 361 पिकोमीटर दिया, यूनिट सेल का लेंथ दिया हुआ है. ऐसा ऐसा तो बहुत सारा यहाँ पे होगा, और भी एक यूनिट सेल है, फिर अगला यूनिट सेल, इस तरह से बढ़ते चलेगा तभी वो क्रिस्टलाइज बनेगा. तो व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कॉपर एटम, कॉपर एटम का रेडियस क्या होगा ये पूछ रहा है. तो देखिए फेस सेंटर्ड का अगर हम बात करें तो फेस सेंटर्ड में होता क्या है, जो कॉर्नर पे रहता है ये कॉर्नर पे बोलते हैं, ये फेस के सेंटर पे एटम है, और ये कॉर्नर पे एटम है, ये भी कॉर्नर पे एटम है, ये भी कॉर्नर पे एटम है, ये भी कॉर्नर पे एटम है, सब बराबर बराबर रहता है. फिगर थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, आप लोग ध्यान से देखिए, सब बराबर बराबर रहता है, ठीक है. ये जो हम बनाए बराबर बराबर रहेगा. अब इसको अगर आप यहाँ से ज्वाइन कर देते हो, ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो गया, ए हो गया एज लेंथ, और ये भी क्या हो गया, ए हो गया एज लेंथ हो गया, ठीक है. अब हमको चूंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ कॉपर एटम निकालना है, तो देखिए ये रेडियस हो गया इसके लिए, अब इसके लिए ये रेडियस और इसके लिए ये रेडियस, तो टोटल रेडियस कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 रेडियस हो गया. तो 4 रेडियस मतलब हो गया 4r². ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये बड़ा साइड हो गया, तो इसका स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3, 4, सबको प्लस कर देंगे 4r², वो किसके बराबर होगा, a² + a² मतलब हो गया 16r² इक्वल टू हो गया 2a², यहाँ से 2 + 16 कट जाएगा, तो हम लोग के पास कितना आया, 8r² इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए, a² हो गया, ठीक है. और अगर यहाँ से हम लोग अगर हम a निकालें a, तो कितना हो जाएगा, √8r², और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2√2r आ जाएगा, कितना आएगा, 2√2r आएगा. और यहाँ से r निकालेंगे तो होगा a/√2 होगा, ठीक. तो हम लोग को क्वेश्चन देखिए यहाँ से फॉर्मूला आ गया, इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. हम लोग को एज लेंथ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए हमारा 361 पिकोमीटर दिया हुआ है, और हम लोग को क्या निकालना है, रेडियस निकालना. तो आर इक्वल टू होता है a/√2 होता है, क्या होगा, आर इक्वल टू a/√2 होगा, ठीक है. तो यहाँ से ए का वैल्यू हमारा 361 है, और ये 2 × √2 है, √2. अब इसको रेशनलाइज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √2/√2 हो जाएगा, ठीक है. तो ये आपका 361 × √2 हो जाएगा, ये √2/√2 तो 2 हो गया, और 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है. अब ये 361 हो गया, √2 का वैल्यू होता है 1.414 होता है, √2 का वैल्यू 1.414, और बाय में हमारे पास है 4 है, ठीक. तो अगर इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, काट के देखिए, तो जब इसको हम लोग कट करेंगे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा,
कितना हो गया, 4 3 12 हो गया, ठीक है, 0 पॉइंट यहाँ पे जाएगा, 4 3 12, और इधर से आपका आ जाएगा 2, तो 4 5 20 हो जाएगा, फिर इधर चला गया 1 14 14, तो 4 3 12 हो जाएगा, और फिर 2 4 5 20 होगा, मतलब हम लोग के पास आ गया 0.3535। अब हम लोग को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 30 अपने से खुद से देख लीजिएगा, 127.61 पिकोमीटर आएगा, तो ये लगभग किसके बराबर है, ये लगभग 128 के बराबर है, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सो क्वेश्चन है द मेटल क्रिस्टलाइजेज विथ अ फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस, द एज ऑफ द यूनिट सेल इज, एज ए दिया हुआ है 408 पिकोमीटर, ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मेटल एटम इज, इसका डायमीटर क्या होगा ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है डायमीटर, तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताए फेस सेंटर में एक फॉर्मूला बताए थे, देखिए आर इक्वल टू होता है ए बाई 2√2, आर इक्वल टू क्या होता है ए बाई 2√2 होता है, ठीक है, तो अगर आपको डायमीटर निकालना है, डायमीटर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, डायमीटर निकालिए, तो डायमीटर निकालने के लिए देखिए हम लोग को क्या करना होगा, डायमीटर निकालना है मतलब डी इक्वल टू होता है 2R, ठीक, तो यहाँ पे 2 × R के जगह पे ए बाई 2√2 है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम लोग के पास कितना है एज लेंथ, देखिए 408 है, कितना है 408, ये हो गया आपका 408 बाई में है रूट टू, ठीक है, तो ये 408 बाई रूट टू हो गया, अब इसको रेशनलाइज कर देंगे तो 408 बाई रूट टू इंटू रूट टू बाई रूट टू हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 408 इंटू रूट टू का वैल्यू 1.414 बाई, ये देखिए √2 √2 2 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 204 आ गया, ठीक है, 204 कितना आ गया 204 आ गया, ठीक, अब क्या करेंगे इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 204 को, किसे मल्टीप्लाई करेंगे 1414 से, तो 4 × 16 4 × 2 = 8, फिर 402 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 816 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 204 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, उसके बाद इसको ऐड करेंगे 6 4 1 5 8 6, देखिए 6 हो गया, 4 1 5 हो गया, 8 6 14 = 4 हो गया, 4 2 6 1 7 1 8 हो गया, और इधर से हमारा 8 है और 2, कितना पे पॉइंट जाएगा 1 2 3 पे पॉइंट बैठेगा, 1 2 3 पे पॉइंट बैठेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 288.456, मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 288.456, तो इसका जो आंसर होगा वो 288 पिकोमीटर होगा, ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सो थ्री एलिमेंट्स ए बी एंड सी क्रिस्टलाइजेस इनटू अ क्यूबिक सॉलिड लैटिस, क्यूबिक सॉलिड लैटिस है, एटम ए ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स, एटम ए जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और कॉर्नर पे बताए थे 8 एटम होता है और उसका कंट्रीब्यूशन हर एक एटम का 1/8 होता है, तो 8 8 कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, एटम ए ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स बी एटम क्यूब सेंटर, अब बी है ये हमारा क्यूब सेंटर पे मतलब बॉडी सेंटर पे, तो इसका जो ये तो एक हो एक आइटम प्रेजेंट होता है बॉडी में और उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो ये 1 हो गया, सी एटम्स जो हमारा है सी एटम्स द एज, यहाँ ये कहाँ पे है एज पे, तो देखिए जो क्यूब होता है क्यूब, अगर आप क्यूब का बात करोगे, देखिए क्यूब, तो ये क्यूब में 12 एज होता है, कौन कौन 1 2 3 4 5 6 7 8
फिर ये देखिए 9, 10, 11, 12, तो 12 को एज होता है, ठीक है। और ये जो एक एज है, ये वाला जो एक एज है, अगर इसमें एटम्स प्रजेंट है तो ये 4 को टच करेगा। कितने को टच करता है? ये 4 को टच करता है, ठीक है। तो 4 को टच करेगा तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/4। एक एटम्स में अगर कंट्रीब्यूशन का बात करेंगे पर यूनिट सेल में, तो एक यूनिट सेल में बात करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो 4 × 3 = 12, मतलब ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा? A1 है, B1 है और C 3 है, तो ABC 3 हो गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर होगा। गैस अ कंपाउंड ए एंड बी क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक लैटिस इन विच द ए एटम्स ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स। ए जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो कॉर्नर्स पे है मतलब 8 कॉर्नर होता है और उसमें एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो हो गया 1। मतलब कॉर्नर्स पे जो एटम्स प्रेजेंट होगा उसकी संख्या हो गया 1। उसके बाद बी एटम ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच फेस। अब बी जो है कहाँ प्रेजेंट है? वो सेंटर ऑफ ईच फेस पे। तो टोटल 6 फेस होता है और फेस का कंट्रीब्यूशन बताए थे 1/, फेस में जो होता है 1/2 होता है, तो ये 3 हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया? ए बी 3 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा? ए बी 3 होगा, ठीक है। चलिए बेटे को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।